उज्जवल मॉडल स्कूल में टीचिंग के प्रोफेशन में शानदार करियर बनाने का सुनहरा मौका। ज्यादा जानकारी के लिए एड में दी गई चीजों को ध्यान से पढ़ें और संपर्क करें दिए गए नंबरों पर, और आज ही अपने सीवी को भेजें दिए गए ईमेल एड्रेस पर। आज ही संपर्क करें एक सुनहरे भविष्य के लिए, तो देर किस बात की। सरकारी स्कूल में बच्चों की बढ़ोतरी कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने स्कूल भवन में ऐसी पेंटिंग करा डाली कि अब ये स्कूल अपने आप में रेल नुमा मॉडल बन गया, जो अब आकर्षण का केंद्र बन चुका है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से देखने वाले लोगों का तांता लगने लगा है। देखिए बिजनौर से ये खास रिपोर्ट। देखने में भले ही सरकार के शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी स्कूलों में बच्चों के दाखिले की मुहिम भले ही पीछे चल रही हो, लेकिन केंद्र सरकार के स्कूल को पेंटिंग के जरिए रेल नुमा मॉडल बनाकर स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाने की जरूर उम्मीद जगाई गई है। हो भी क्यों ना, बच्चे भी खूब खुशी खुशी स्कूल पढ़ने आ रहे हैं। यह बिजनौर जिले के नजीबाबाद इलाके का सरकारी प्राथमिक स्कूल। केंद्र सरकार पिछले कई सालों से इस बात से चिंतित है कि आखिर सरकारी स्कूलों में दाखिले कम क्यों हो रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने रेल नुमा डिब्बे की पेंटिंग कर इनकी सूरत ही बदल दी। हालांकि स्कूल मॉडल को देखने के लिए लोगों का तांता भी लग रहा है, साथ ही स्कूल में बच्चे भी खुशी खुशी रोजाना पढ़ने आ रहे हैं। रेल नुमा स्कूल मॉडल बनने के बाद आगामी सत्र में बच्चों के दाखिले बढ़ने की उम्मीद जरूर जागती हुई नजर आ रही है। मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रूपम रानी है। रूपम जी, जो स्कूल के अंदर डिब्बा बना है रेलवे का, इसका पूरा मामला जी केंद्र सरकार के तहत बना है और ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है, ताकि बच्चे अच्छे से यहाँ पे आए, आने में इंटरेस्टेड हो, और बाहर से भी यहाँ से दूर दूर से गार्जियन बच्चों को लेके दिखाने ला रहे हैं कि ये स्कूल में ऐसी पेंटिंग हुई है। अच्छा, इस चीज से क्या मैसेज देना चाहती हैं? जो रेल का डिब्बा बना है, क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैसेज यही है कि बच्चे इसको देख के खुश हों और पढ़ने के लिए अधिक से अधिक संख्या में स्कूल में उपस्थित हो जाए। नामांकन अधिक संजीदा अंसारी जी, स्कूल में जो रेलवे का डिब्बा बना है, ये पूरा मामला क्या है? ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा, ताकि बच्चे जो स्कूल नहीं आते हैं, जो खेलते रहते हैं गांव में, तो वो यहाँ आए, खेलें और स्कूल में उनको रुचि आए। अच्छा, स्कूल के अंदर जो बच्चों की जो आपने ये कला दिखाई है सरकार द्वारा, इस कला से कुछ बाहर के बच्चे भी देखने आ रहे हैं स्कूल में? बाहर के बच्चे भी आ रहे हैं, गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं दिखाने के लिए। ये रेलवे स्टेशन जैसा बन चुका है, तो आकर्षण का केंद्र तो बन ही चुका है। जी क्या नाम है आपका? जी अनुज कुमार। अनुज जी, स्कूल के अंदर जो रेलवे का डिब्बा बना है, क्या मामला है? सर, ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है ये। इससे जो है बच्चे आकर्षित हो रहे हैं और गांव से बच्चे देखने आ रहे हैं, माँ बाप भी बच्चों को ला रहे हैं, स्कूल दिखा रहे हैं, और बहुत ही अच्छी रुचि हो रही है बच्चों की स्कूल आने में। हमारे बच्चों के स्कूल की संख्या भी बढ़ी है। स्कूल का नाम क्या है पूरा, किस क्षेत्र में आता है? जी दाऊदपुर नहर नाम है और ये ब्लॉक नजीबाबाद में आता है, जिला बिजनौर में। बहुत ही अच्छी पेंटिंग करी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।